यस गाइस, इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या देखा? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, एंड प्योर सब्सटेंस फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड, राइट? टुडे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑन द बिया ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, राइट? आपको मैंने इससे पहले क्लासिफिकेशन में शो कर दिया है कि एलिमेंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, ठीक है? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। उसमें फर्स्ट पॉइंट हमने देखा फिजिकल स्टेट, ओके? फिजिकल स्टेट आप जानते हैं, मैक्सिमम मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बट मर्करी दैट इज पारा, ओके? पारा की फिजिकल स्टेट क्या होती है? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, मर्करी इज एक्सेप्शन। फिजिकल स्टेट ऑफ मर्करी इज लिक्विड एंड एक्सेप्ट मर्करी मैक्सिमम ऑल मेटल्स, ऑल अदर मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, राइट? सेकेंड प्रॉपर्टी इज मेलिएबिलिटी, ओके? मेटल्स आर मेलिएबल, ठीक है? मेलिएबल इट मीन्स ऑन बीटन मेटल्स आर मेलिएबल, मेलिएबल इट मीन्स ऑन बीटन मेटल कन्वर्ट इनटू शीट्स, राइट? दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज मेलिएबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन आर मेलिएबल मेटल्स। एक्चुअल में ये कोई जरूरी नहीं है कि मेलिएबिलिटी सभी मेटल्स की सेम हो, मे बी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा, हम पूजा वगैरह जब करते हैं तो उस पर सिल्वर वर्क चढ़ाते हैं, जो स्वीट्स वगैरह मार्केट में आती है, काजू कतली वगैरह आप खाते हैं, तो आप उसके ऊपर देखते हैं कि सिल्वर फॉइल लगी होती है, सिल्वर, तो आप देखते हैं कि वो कितनी थिन शीट होती है। सिल्वर कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट, और जिसका कि यूज हम स्वीट्स के ऊपर लगाने में, उसे डेकोरेट करने में, और इवन पूजा वगैरह जब करते हैं तो भगवान के लगाने में यूज किया जाता है, ओके? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल भी आप जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जितनी भी मेडिसिन हैं, टेबलेट वगैरह जो भी हैं, वो किसमें रैप होकर के आती हैं? एल्यूमिनियम फॉइल में रैप होकर के आती है। आप जब अपना जो फूड लेकर के जाते हैं वो आप सिल्वर फॉइल यूज करते हैं, राइट? मे बी एल्यूमिनियम शीट। एंड कॉपर कैन बी कन्वर्ट इन टू शीट। आयरन आप देखते हैं, टीन शेड लगाते हैं, किसके बने होते हैं? आयरन के होते हैं। तो आयरन मेटल कन्वर्ट इन टू शीट, एंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कि उन्हें हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑन बीटन, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलिएबिलिटी। विदाउट, हम और भी अच्छे से आपको ये बता सकते हैं कि ऑन बीटन मेटल कन्वर्ट इन टू शीट विदाउट ब्रेकिंग, ओके? क्लियर? नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी इज डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टाइल क्या होता है जानते हैं आप लोग? आपने पहले भी पढ़ा है ये सब प्रॉपर्टीज, आपने सभी किसी क्लास में भी आप पढ़ करके आए हैं, ठीक है? डक्टाइल क्या होता है?
मेटल्स कैन बी मतलब थ्रू मेटल्स वी कैन ड्रॉन वायर्स. ओके फॉर एग्जाम्पल थ्रू मेटल्स वी कैन ड्रॉन वायर्स. इट मीन्स मेटल कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स राइट. फॉर एग्जाम्पल आयरन वायर कॉपर वायर सिल्वर वायर गोल्ड एटसेट्रा. अब आप देखिए कि जैसे गोल्ड है, गोल्ड इज हाईली डक्टाइल मेटल. गोल्ड इज हाईली डक्टाइल. फॉर एग्जाम्पल हम 1 ग्राम गोल्ड कैन बी कन्वर्ट इंटू 2-3 किलोमीटर लॉन्ग वायर. ठीक है, तो गोल्ड की डक्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए आप देखते हैं कि जो ज्वेलरी बनती है गोल्ड की वो हर रेंज में आप जैसा चाहें उसी रेंज में आप गोल्ड की ज्वेलरी को हम बनवा सकते हैं क्योंकि गोल्ड की डक्टिलिटी ज्यादा है तो जो वायर है उसकी थिननेस बढ़ती जाएगी. जितना पतला वायर होगा उससे उतनी ही ज्यादा ज्वेलरी इजीली बनाई जा सकती है. ओके राइट. तो मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर. क्लियर. आप साथ के साथ लिखते चलिए, शॉर्ट में आप पॉइंट्स लिखते हुए चलें और उसके बाद जब आप देखेंगे बुक में तो आपको सब चीज बुक में मिलेंगी. ओके नेक्स्ट इज मेटल्स आर लस्ट्रस. मेटल्स आर लस्ट्रस. लस्ट्रस इट मीन्स शाइनी सरफेस. जो मेटल्स होती हैं उनकी सरफेस क्या होती है, शाइनी होती है, वो बहुत ज्यादा शाइन करती हैं. फॉर एग्जाम्पल सिल्वर गोल्ड का हम यूज ज्वेलरी में करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि उस वो हाईली लस्ट्रस है. और फॉर एग्जाम्पल जो मिरर है, मिरर के ऊपर हम सिल्वर पॉलिश करते हैं, जितना शाइनिंग सरफेस होगा वो उतना ही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है राइट. तो देयरफॉर वी यूज सिल्वर पॉलिश ऑन मिरर. थर्ड पॉइंट इज क्लियर. फोर्थ पॉइंट इज क्लियर लस्ट्रस. नाउ नेक्स्ट इज मेटल्स आर सोनोरस. मेटल्स आर सोनोरस. सोनोरस इट मीन्स ऑन बीटन ऑन हार्ड सब्सटेंस. रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस. तो सोनोरस इट मीन्स मेटल्स दोज प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड. रिंगिंग साउंड का मतलब आप जानते हैं कि यदि सपोज आपने जैसे सपोज ये डस्टर है और डस्टर नीचे गिरा तो डस्टर के गिरने की जो साउंड होगी वो थोड़ा डिफरेंट तरह की साउंड है, उसको आप रिंगिंग साउंड नहीं कह सकते. लेकिन आप देखते हैं कि कभी कभी यदि घर पर अपने हाथ से स्टील की प्लेट नीचे गिर जाती है तो वो बहुत देर तक उसमें एक झनझनाहट सी बाद में अपने को सुनाई देती है. देती है, देखा आपने. ठीक है, दैट इज नोन एज रिंगिंग साउंड. फॉर एग्जाम्पल
स्कूल में बेल लगती है, घंटा बजता है आफ्टर 40 मिनट्स और 35 मिनट्स, ठीक है। तो हम जब एक बाईजी एक हैमर से एक बीट करती हैं तो पूरी स्कूल में उसका साउंड आता है और वो साउंड थोड़ा बात तक सुनाई देता है, ठीक है। दिस इज नोन एज रिंगिंग साउंड। तो रिंगिंग साउंड का मतलब आप समझ रहे ना, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि जो वायलिन है, गिटार है, सितार है, इनमें हम मेटल वायर का यूज करते हैं बिकॉज मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, राइट। समझ में आ गया आपको, इट इज क्लियर, ओके। नाउ आफ्टर द रिंगिंग साउंड नेक्स्ट पॉइंट इज, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पहले क्या देखें, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ऑन स्ट्रेचिंग मेटल टॉलरेट दिस, मेरा मतलब आप समझ रहे हैं। यदि हम किसी चीज को स्ट्रेच करते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाए आसानी से और टूटे नहीं, विदाउट ब्रेकिंग स्ट्रेच हो जाए, इसको हम बोलेंगे कि उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा है, ओके। तो मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल्स हैव हाई और गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसीलिए हम मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट कर पाते हैं, मेटल के वायर बनाते हैं, क्योंकि इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, ओके, राइट। अगर आप देखिए इसके अगेंस्ट में, अभी मैं आपको बताएंगे, अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन जनरल टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको समझ में आ जाए इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे सपोज अगर हम रबर को स्ट्रेच करें तो आफ्टर लिमिट थोड़ा सा खींचने के बाद वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। रबर इज हालांकि रबर इज नॉट मेटल, लेकिन जो इस तरह से खींचने पर टूट जाए तो हम ये बोलेंगे कि उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है, लेकिन मेटल्स हैव गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, ओके। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इन शॉर्ट एमपी, राइट, एंड बॉइलिंग पॉइंट दैट इज बीपी। एमपी एंड बीपी इट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, कंपेरेटिवली हाई होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। यस, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपको समझ में आ गया कि मेटल्स एक्चुअल में, मेटल्स में जो बॉन्ड बनता है मेटल मेटल के बीच में क्या होता है, मेटलिक बॉन्ड होता है, एंड मेटलिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ठीक है। अभी हालांकि मैं आपको बॉन्ड के बारे में नहीं बता रही हूँ, लेकिन यदि आपको समझ में आता है तो ड्यू टू दैट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन मेटल एंड मेटल दैट इज मेटलिक बॉन्ड, ड्यू टू दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एग्री। आप देखिए कि जैसे सपोज कभी कभी हम मिल्क बॉइल हो रहा है पॉट में, और यदि हमने स्पून को उसी कंटेनर में छोड़ दिया है, और फिर थोड़ी देर बाद जाकर के जब हम समर का टाइम है और यदि हम स्पून को टच करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें बहुत गर्म लगता है, हम स्पून को टच नहीं कर पाते बाय हैंड, ठीक है, राइट।
क्योंकि जबकि जो स्पून है, स्पून का जो आगे फ्रंट पार्ट है वो तो मिल्क के टच में है, लेकिन जो हैंड है उसका वो तो बाहर है, बट वो भी गर्म हो जाता है। दिस शोज कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। आप देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक वायर है वो जनरली किसके बनते हैं, एल्यूमिनियम कॉपर, क्योंकि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज देखी हैं, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी फिजिकल स्टेट देखा आपने, उसके बाद आपने मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जस्ट अभी देखा, मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर एंड मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा ऑल दिस। एक और प्रॉपर्टी जस्ट मुझे याद आ रही है जो वो देखिए आप, दैट इज डेंसिटी। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी का एक्चुअल में मेटल्स का जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है, सॉलिड है, एंड सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड और गैस के कंपेरिजन में क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है, तो मेटल्स है हाई डेंसिटी। ठीक है, तो इसी के साथ हमने सारी प्रॉपर्टीज, ऑलमोस्ट मेटल की सारी प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और हम साथ में ही प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स देख रहे हैं, एक्चुअल में पॉइंट्स तो सभी यही रहेंगे, तो वापस हम मेटल के साथ में नॉन मेटल्स को ही कंपेयर कर रहे हैं कि मेटल की प्रॉपर्टी में आपने क्या देखा जबकि नॉन मेटल की प्रॉपर्टी में क्या होता है। ओके, फर्स्ट नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। फर्स्ट इज, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में, और क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इसलिए थोड़ा हम पॉइंट्स को थोड़ा रैपिडली थोरली हम रीड करेंगे। फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट, आपने सॉलिड में क्या देखा, मैक्सिमम सॉलिड, मैक्सिमम मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ओनली मर्करी इज एक्सेप्शन इज देयर, बट इन नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में भी गैस, लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तीनों तरह की हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर नॉन मेटल्स बट फिजिकल स्टेट इज गैस। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑल आर नॉन मेटल एंड फिजिकल स्टेट इज गैस। लिक्विड, फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ब्रोमीन इज नॉन मेटल बट फिजिकल स्टेट इज लिक्विड। एंड सॉलिड, सॉलिड के बहुत सारे एग्जाम्पल्स कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स एंड फिजिकल स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स आर सॉलिड। क्लियर, फिजिकल स्टेट आपने देखा। नाउ सेकेंड पॉइंट इज मेलिबिलिटी, तो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, नॉन मेलिएबल इक्वेशन आपको समझ में आ गया कि हम नॉन मेटल्स को शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल सल्फर, फास्फोरस की हम शीट नहीं बना सकते क्योंकि जो मेटल्स हैं, मेटल्स ब्रेक नहीं होता, लेकिन जब आप सल्फर को आप हैमर से बीट करेंगे तो दे ब्रेक डाउन इनटू पीसेस, वो टुकड़ों में टूट जाते हैं, दैट्स व्हाई कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू शीट, मींस नॉन मेटल्स आर ब्रोकन और वी कैन से नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल इन नेचर इट मींस
जिसको हैमर से बीट करने पर जो पीसेस में कन्वर्ट हो जाए, दिस इज नोन एज ब्रिटल नेचर. ओके, तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर. थर्ड इज डक्टिलिटी. तो नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल. नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, इट मीन्स कैन नॉट बी ड्रॉन इन टू वायर. जो नॉन मेटल्स हैं, इनको हम वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज नॉन सोनोरस. नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड. ओके, फिफ्थ पॉइंट इज डेंसिटी. नॉन मेटल्स हैव कंपेरेटिवली लो डेंसिटी देन सोडियम देन मेटल्स. लो डेंसिटी. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कंडक्टिविटी. नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड पुअर कंडक्टर वी कैन से इंसुलेटर. इसीलिए आप देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनके पास में जो स्क्रू होता है उसमें पीछे किसका कोटिंग होता है, प्लास्टिक का कोटिंग होता है. राइट, फॉर एग्जाम्पल जो हम किचन यूटेंसिल्स यूज करते हैं उसमें किसके हैंडल्स लगे होते हैं, कुकर वगैरह पे किसके हैंडल्स लगे होते हैं, बैकेलाइट वगैरह के हैंडल्स लगे होते हैं, दैट इज प्लास्टिक. तो रबर, प्लास्टिक, वुड, ऑल आर द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल एंड सेम लाइक दैट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ. आप अपने आप भी पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ. अभी मैं आपको इससे पहले हमने देखा कि नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वहां पर मैं आपको बता दूं कि एक्सेप्शन केमिस्ट्री में सब जगह रहते हैं. फॉर एग्जांपल नॉन मेटल बट ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ग्रेफाइट इज नॉन मेटल बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो हर जगह पर एक्सेप्शन मिलते हैं, नो प्रॉब्लम. ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है. इसके बाद अब आपने ये सारे पॉइंट्स देखे. नेक्स्ट और हम देख लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस. नॉन मेटल्स आर कंपैरेटिवली सॉफ्ट. मेटल्स के कंपैरिजन में जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं एंड कैन बी कट थ्रू नाइफ. ओके, मेटल्स की तरह ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती. नेक्स्ट पॉइंट, नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. ओके, तो इसी के साथ ऑलमोस्ट आई थिंक सभी प्रॉपर्टीज को हम कंपेयर कर चुके हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. समझ में आया आपको? अब आपको क्या करना है, ये आपके लिए होमवर्क है. ड्रॉ अ कॉलम लाइक दैट एंड राइट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन दिस वे, मेटल एंड नॉन मेटल्स.
आप इधर एक प्रॉपर्टी का कॉलम बना लें, लाइक फर्स्ट फिजिकल स्टेट, ठीक है। इसी तरह से मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोनोरस, और आप कंपेयर करते हुए चलें, और इस टेबल को आपको अपने आप सेल्फ कंप्लीट करना है। क्योंकि आप ये मान करके चलिए कि जनरली मेटल और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टीज हैं, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे जरूर किया जाता है, जरूर पूछा जाता है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू इट। ओके ओके।